स्वागत है संस्कृत दर्शन चरण में आप सभी का। निरुक्त में थोड़ी सी बारे में जानकारी अर्जित करी थी हमने। निरुक्त में विशेष रूप से जो जानकारी थी वो थी कि भाव किसे कहते हैं, अर्थात आख्यात किसे कहते हैं और नाम किसे कहा जाता है। तो हमने सत्व की जिसमें प्रधानता थी, अर्थात सत्ता की जिसमें प्रधानता थी वो नाम के नाम से जाना जाता है, भाव की जिसमें प्रधानता थी वो आख्यात के नाम से जाना जाता। आज हम आख्यात को और विस्तृत रूप से जानने का प्रयास करेंगे, उसके रूप भी जानेंगे कि आख्यात सामान्य कौन से होते हैं और विशेष कौन से होते हैं, नाम को भी जानेंगे सामान्य कौन से होते हैं और विशेष होते हैं, और इसमें वाक्य में जो प्रयोग किए जाते हैं जब दोनों ही आ जाए, आख्यात भी हो और नाम भी हो, तो किसकी प्रधानता मुख्य रहती है। तो निरुक्त को आप ये मान के चलिए, मैं आपको विश्वास दिला रहा हूँ कि निरुक्त को एक बच्चे को भी अगर वीडियो दिखा दी जाएगी तो बच्चों को भी समझ में आ जाएगा, ऐसे समझाने का प्रयास कर रहा हूँ मैं। तो हमने चार पद जान लिए थे और पदों को भी हम विशेष रूप से जानने का प्रयास किया था कि कितने कौन कौन आचार्य कितने कितने पदों को मानते हैं। निरुक्त डाल लेते हैं, ये तीसरा हिस्सा है, तीसरा भाग है। इसको मैं थोड़ा जो वाक्य हैं जो उनको मैं लिख देता हूं, थोड़ा लिखूंगा उसके बाद फिर सारी बातें आपको उनकी व्याख्या करता चलूंगा। मैं किताब के जरिए ये कोशिश कर रहा हूं कि जो भी आपको अध्ययन कराया जाए तो मुझे कंठस्थ हो, इसलिए मुझे थोड़ा सा समय लगता है लिखने में। मैं पहले से नहीं लिखता इनको, पहले से लिख लूंगा तो फिर वो किताब के माध्यम से भी लिख सकता हूँ, लेकिन मैं कोशिश करता हूँ कि जो भी आपको पढ़ाया जाए वो मुझे कंठस्थ हो जाना चाहिए, क्योंकि मैं पढ़ाने का अधिकारी जब ही हूँ जब मुझे वो आता हो। अन्यथा की दृष्टि में किताब से तो सभी पढ़ा देते हैं और बोर्ड पर लिख करके भी पढ़ा सकते हैं और सब पढ़ा ही रहे हैं, लेकिन कम से कम संस्कृत में जो पढ़ाया जा रहा है वो तो जानना ही चाहिए और आना ही चाहिए। तो यहाँ पर बाकी में बोला गया है कि बाकी की प्रधानता किस किस की होती है, वहां से शुरू करते हैं। मैं लिख दूं इसको, है ना। तद यत्र उभे, ऐसा बोल करके बोला गया है भाव प्रधाने भवता। मैं इसका जब अर्थ बताऊंगा आपको, इसका पूरे का अर्थ, तो बड़े अच्छे समझ में आ जाएगा। पहले आप केवल एक देखते रहें और कोशिश करा करें कि ये याद हो जाए, कि आप एग्जाम में या परीक्षाएं होती हैं उनमें जो कितने ये प्रश्न सीधा सीधा संस्कृत के से ही उठा लेता है, बात के उठा लेता है यहाँ से पूरा, और ये पूछ लेता है कहाँ से लिया गया है। आगे बताया बोला गया है इसमें पूर्वा परिभूतम भावम आख्यातेन आचष्टे। व्रजति पचति इति, आगे भी लिख, इसको नीचे लिख देते हैं, आगे जगह थोड़ी कम है। उपक्रम उपक्रम प्रवृत्या अपवर्ग पर्यंतम, ये तो हो गया प्रथम। मैं बताऊंगा प्रथम और द्वितीय नाम मैंने इसमें क्यों रखे हैं, वो एक बार इसको थोड़ा लिख दूं जल्दी जल्दी, उसके बाद व्याख्या करेंगे। मूर्तम सत्वभूतम सत्वनाम भी विरजया पक्तिरिति, ठीक है।
ये इतना ही है। अगले वाले में जो बात करी गई है वो नाम को सामान्य और विशेष दो भागों में बांटा गया है। ऐसे आख्यात को यानी क्रिया को भी दो भागों में बांटा गया, कौन सी क्रियाओं को हम सामान्य में रखें, कौन सी को विशेष में रखा जाए, तो देख लेते हैं। ये व्याकरण के माध्यम से भी जानने का प्रयास कर सकते हैं, लेकिन यहाँ हमको निरुक्त में बड़े अच्छे से समझाया गया है तो व्याकरण में बड़ी सहायता करेगा ये। अधा इति सत्वानाम उपदेशा, गौर पुरुषा हस्तीति। दूसरी पंक्ति में बोला गया है भवतीति भावस्य आस्ते शेते ब्रजति पचति इति। आज हम इन्हीं दो तीन चीजों के बारे में जानने का प्रयास करेंगे, तो शुरू से ही देख लेते हैं और ये भी देखते चलेंगे कहीं कोई गलती तो नहीं है, क्योंकि लिखते समय कभी कोई ना कोई गलती अवश्य रह जाती है। तद यत्र उभे भाव प्रधाने भवतः पूर्वा परिभूतम भावम आख्यातेना चष्टे व्रजति पचति इति उपक्रम प्रभृत्य अपवर्ग पर्यंतम। यहाँ ये है अपवर्ग है ना, प्रभृत्य अपवर्ग पर्यंतम मूर्तम सत्वभूतम सत्वानाम विवृज्या पंक्तिरिति। अध इति सत्वनाम उपदेशः गौरस्य पुरुषः हस्ति इति भवति इति भावस्य आस्ते शेते व्रजति। इसमें पचति कर दिया है, तिष्ठति है, हालांकि उसका कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं अभी आपको बताऊंगा। इति अब व्याख्या कर लेते हैं। ये कह रहे हैं कि तद यत् उभे भाव प्रधाने भवता, यदि वाक्य में जो वाक्य है उसमें आख्यात और नाम यदि दोनों दे रखे हों तो वहां पर भाव की प्रधानता होती है। किसकी प्रधानता होती है? भाव की प्रधानता होती है। और यह प्रश्न ऐसे ही बनता है कि निरुक्त में जो व्याख्या की गई है उसमें वाक्य जब आता है तो उसमें किसकी प्रधानता बतलाई गई है, तो भाव प्रधाने भवता, यानी कि वाक्य में भाव की प्रधानता होती है। प्रधान जो मुख्य माना जाता है वो भाव माना जाता है, अर्थात क्रिया मुख्य मानी जाती है। ये इस पंक्ति का पूरी अर्थ हो गया, भाव प्रधाने भवता। अगली वाली पंक्ति में कह रहे हैं हमने बहुत क्रियाएं जानी हैं, धातु बहुत याद की हैं, कंठस्थ की हैं, पठती पठता पठंती पचती पचता पचंती ब्रजती ब्रजता ब्रजंती, बहुत रूप याद किए हैं। अब उनको थोड़ा जानने का समय आ गया है कि वो है क्या चीज। वो कह रहे हैं पूर्वा परिभूतम भाव आख्याते आख्यातेन अचष्टे ब्रजति पचति इति। ब्रजति मतलब जाता है, पचति मतलब पकाता है। उपक्रम पूर्वा प्रभृत्य अपवर्ग पर्यंतम, इनके नाम से अर्थात ब्रजति और पचति ये आख्यात कहलाते हैं, अर्थात इनको आख्यात बोला गया है। लेकिन यहां पर जो शब्द लगाया गया है पूर्वा परिभूतम, ये मुख्य समझने के लिए। पूर्वा परिभूतम का मतलब है आगे और पीछे, इसका ये तात्पर्य आगे पीछे किए जाने वाले कार्य, आगे पीछे किए जाने वाले कार्य। अब थोड़ी सी इसमें जान लीजिए उपक्रम प्रभृत्य अपवर्ग पर्यंतम, ये दो शब्द हैं इसमें, तो इसका तात्पर्य होता है शुरू से लेकर के अंत तक, अर्थात आदि से लेकर के अंतिम तक जो कार्य होते हैं उन कार्य समुदाय का अर्थात व्यापार समुदाय को जिस नाम से जाना जाता है, जैसे पचती है ब्रजती है पंचती है, वही आख्यात कहलाते हैं, उसी को आख्यात के नाम से जाना जाता है, अर्थात वही आख्यात हैं। एक बार और थोड़ी सी बात जानते चलें, मैंने बताया था निरुक्त को समझना कठिन नहीं है, थोड़ा सा ध्यान देना है, पहले और बाद में
किए जाने वाले व्यापार समुदाय को आदि से लेकर के अंत तक, आदि से लेकर के अंत तक जो व्यापार समुदाय होता है वो पचती व्रजति आदि आख्यात के नाम से जाना जाता है। अब इसको थोड़ा और देख लेते हैं। इसमें कुछ भी धातु लगा लीजिए आप, केवल यही नहीं, ये तो उदाहरण के तौर पर दे रखे हैं। व्रजति का मतलब होता है जाना, गच्छति का मतलब होता है जाना, याति का मतलब होता है जाना, मतलब जाने की क्रिया में, और बहुत सारी क्रिया। ये पचती का मतलब पकाना होता है। तो जाने की जो क्रिया है उसमें क्या होता है, जाने की क्रिया से पहले भी बहुत सारी क्रियाएं करनी पड़ती हैं। जो व्यक्ति जाना चाह रहा है वो पहले स्नान करेगा, तो स्नान करने की क्रिया हो गई, उसके बाद वो कपड़े पहनेगा, कपड़े पहनने की क्रिया हो गई, उसके बाद वो जैसा भी जूते भी पहनेगा, और जूते से नहीं जाए चप्पल भी पहनेगा, वो सारी क्रियाएं हैं। उसके बाद कपड़े भी रखेगा, कहीं दूर जा रहा है तो बैग में कपड़े जो रखे जा रहे हैं वो भी एक क्रिया हो गई। उसके बाद जो जाने की क्रिया है व्रजति, वो सारी क्रियाओं में जो व्यापार किए गए हैं इस जाने में, वो सभी समुदाय को इंगित करती है व्रजति, इसी का नाम आख्यात है। तो व्रजति, पचति, गच्छति, पठति, ये सारी जितनी भी धातुएं हैं आख्यात के नाम से जानी जाती हैं, तो वो पूरे व्यापार समुदाय को दर्शाती हैं। इसका बात याद रखना है, अकेले स्वयं को नहीं दर्शाती। ऐसे ही पचति है, पचने की जो क्रिया है, पाक की जो क्रिया है, पकाता है, उसमें मान लीजिए चावल को ही पकाना है तो चावल लेना है, तो चावल को पहले धोया जाएगा तो धोने की क्रिया आ गई उसको, फिर बर्तन रखा जाएगा चूल्हे पे या गैस पर, बर्तन रखने की क्रिया आ गई, फिर उसमें पानी डाला जाएगा वो भी क्रिया आ गई, उसके बाद फिर उसको चावल डाला जाएगा, फिर ढका जाएगा, वो जो क्रिया पूरा जो चल रहा है व्यापार, वो सारा समुदाय है वो इस पचती शब्द से इंगित हो रहा है। तो सारे व्यापार समुदाय का नाम आख्यात है, अर्थात समुदाय को जो प्रदर्शित करे वही क्रिया है या आख्यात के नाम से कहलाती है। तो इसमें पूर्वापरिभूत पहले और बाद में किए जाने वाले सारे समुदाय, व्यापार समुदाय आ जाते हैं, उसी का नाम आख्यात है। तो आख्यात उम्मीद है समझ में आ गया होगा, दो तीन तरीके समझाने का प्रयास किया है मैंने। और अगर पुस्तक के माध्यम से अध्ययन करेंगे, एक दो बार पुस्तक पढ़ेंगे फिर वीडियो देखेंगे, कभी कभी ऐसा होता है वीडियो सीधे सीधे देख ली तो समझ नहीं आता, और फिर नीचे लिख दिया था कि आपको समझाने का तरीका नहीं आता, ये है वो है, तो आपको एक बार अध्ययन करना पड़ेगा। तो आपको याद रखना है व्रजति जो कहा गया, भावम आख्याते व्रजति पचति, ये तो केवल उदाहरण मात्र हैं, और जितनी भी क्रियाएं हैं वो अकेली क्रिया स्वयं में नहीं है, ठीक है। अब बात आती है मूर्तम सत्वभूतम सत्व नाम भी व्रजया पंक्ति इति, दूसरी पंक्ति कि जो क्रिया है इसको पूर्वापरिभूत हटा करके, ये यही पे लिख देते हैं इसको, ये व्रजया है, व्रजया और पंक्ति, ये जो दो शब्द हैं ये कृदंत शब्द हैं, ठीक है ना, कृदयुक्त शब्द हैं, कृत प्रत्यय, इनमें कृत प्रत्यय लगा हुआ है, कृत प्रत्यय युक्त शब्द भी आख्यात को यानी कि क्रिया को दर्शाते हैं। लेकिन उसमें क्या होता है, ये जैसे व्रजति और पचति में पूर्वापरिभूत की व्याख्या की गई थी, यानी पहले और बाद में पूरे समुदाय को लिया गया, तो समुदाय को हटा करके अर्थात पूर्वापरिभूत को हटा करके एक ही भूत हो जाना, ये एक ही भूत के अंतर्गत आते हैं, एक हो जाना याद रखना, एक ही भूत की व्यवस्था के अंतर्गत कृदंत युक्त शब्दों को प्रयोग किया जाता है, और उनको सत्वभूतम, सत्वभूतम का मतलब द्रव्य, सत्व का मतलब द्रव्य, भूत का मतलब सादृश्य, वो द्रव्य के सदृश कार्य करने लगते हैं। यदि क्रिया के द्वारा पूरे जो भाव हैं जो व्यापार समुदाय उसको ना कहना हो, सीधे सीधे क्रिया को कहना हो, तो वो क्रिया नहीं रह जाती, फिर वो द्रव्य के सदृश हो जाता है। और द्रव्य के सदृश क्यों कहा गया है, क्योंकि इन शब्दों से भी जो द्रव्य में लिंग संख्या विभक्ति का प्रयोग किया जाता है, वैसे ही इन कृदंत युक्त शब्दों में भी वो लिंग संख्या और विभक्ति का प्रयोग शुरू हो जाता है, अर्थात वो तीनों लिंगों में व्यवहार करने लग जाती है। कृदंत प्रकरण को हमने पढ़ाया है, अब जाकर के उसमें देख लें, पता चलेगा कि उससे जो बनने वाले शब्द हैं
वो सीधे सीधे जैसे जाने की होती है ब्रजतीश में, लेकिन वहां गता का भी प्रयोग किया जाता है, गया भूतकाल में, कत कतपतु निष्ठा है, उससे निष्ठा में जो भूतकाल है उसमें कत प्रत्यय लगता है तो गता शब्द बन जाता है गया। तो उसके तीनों लिंगों में बनते हैं, स्त्रीलिंग में भी, पुल्लिंग में भी और नपुंसक लिंग में भी। होती वो क्रिया ही है, दर्शाती तो वो क्रिया को ही है, लेकिन व्यवहार वो कैसा करती है, यहां यही तो चीज है, यहां व्यवहार समझना है। नाम की तरह सत्व नाम भी, सत्व नाम की तरह ही वो व्यवहार करती है और वो सत्व नाम के रूप में जानी जाती है क्रिया होने के बावजूद भी। क्यों? क्योंकि वो कृदंत युक्त शब्द है। तो याद रखना है इसमें व्यापार समुदाय का प्रयोग किया जाता है, सारा व्यापार लगता है, वो आख्यात है। ये जो कृदंत युक्त शब्द है वो क्रिया होने के बावजूद भी क्रिया ना होकर के वो नाम की तरह व्यवहार करने लग जाती है, अर्थात उनको नाम से ही जाना जाता है। तो ये व्यवहार होता है, नाम नहीं है। नाम क्या है वो हम आगे जानेंगे, ठीक है। अब दो चीज है इसमें, नाम की जो बात करी अब तक तो होगी आख्यात, ये दोनों में हमने समझाया, हमको समझाया गया है आख्यात क्या है। तो आख्यात दो प्रकार से समझ लिया, मैं एक बार और बाद में बता दूंगा। पहले हम नाम और आख्यात को दो भाग में और बांटा गया, उनको देख लेते हैं। एक भाग है सामान्य, दूसरा भाग है विशेष। सामान्य और विशेष को थोड़ा जानते चलें। सामान्य से सीधा तात्पर्य होता है कोई है, जैसे मान लीजिए उदाहरण के तौर पर ट्रेन में सभी ने सफर किया है, मैं ट्रेन से उदाहरण देता हूं। जब ट्रेन में सफर करते हैं तो उसमें दो प्रकार की बोगियां होती हैं, अर्थात दो प्रकार के डिब्बे होते हैं। एक तो होता है आरक्षित डिब्बा, जिसमें आरक्षण युक्त व्यक्ति ही चढ़ सकता है, जिसने आरक्षण पहले से करा रखा हो, हर कोई उसमें नहीं जा सकता। दूसरा होता है सामान्य डिब्बा, जिस पर सामान्य लिखा होता है, जनरल डिब्बा जिसको बोलते हैं, उसमें कोई भी व्यक्ति सवारी कर सकता है, अर्थात उसी यात्रा कर सकता है। तो यहां पर जो सामान्य शब्द प्रयोग किया गया है, ऐसे नाम का, ऐसे जो शब्द हैं उनको सामान्य के लिए प्रयोग किया जाएगा, जो सभी में काम करेंगे। दूसरी विशेष क्या है, विशेष मैंने बताया था आरक्षित वाला डिब्बा, जिस पर आरक्षण का टिकट होगा वो उसमें डिब्बे में सवार हो सकता है, नाम से उसमें नाम वगैरह सभी होता है। तो विशेष जब भी आएगा तो उसमें कुछ ना कुछ एक विशेषत जरूर होगा जो विशेष के रूप में प्रयोग किया जाएगा। चलिए उदाहरण देखेंगे तो बहुत समझ में आ जाएगा। इसमें अदस शब्द को एक उदाहरण के रूप में लिया गया है, तत् भी ले सकते हैं आप, इदम भी ले सकते हैं, एतद, एतद भी ले सकते हैं, मतलब जो भी है सर्वनाम। अब आगे लिख लेता हूं मैं सर्वनाम, सर्वनाम शब्द जितने भी हैं वो सब सामान्य के नाम से जाने जाते हैं। ये नाम है, सर्वनाम, नाम भी लिख रहा है इसमें, वो सभी में प्रयुक्त हो जाते हैं। मान लीजिए वह शब्द प्रयोग करना है, तत् का प्रयोग करना है, तो वह शब्द जो भी आएंगे वो स्त्रीलिंग में भी हो जाएगा, पुल्लिंग में भी हो जाएगा, नपुंसक लिंग में भी हो जाएगा, द्रव्य के लिए भी हो जाएगा, वस्तु के लिए भी हो जाएगा, जानवर के लिए भी हो जाएगा, पक्षी के लिए भी हो जाएगा, पर्वत के लिए भी हो जाएगा, दुनिया में जितनी भी चीजें हैं वो एक ही शब्द सभी के लिए प्रयोग हो जाएगा। तो ये हो गया सामान। इसलिए इन्होंने अधा इति सत्व नाम उपदेशः, अर्थात अदस शब्द लेकर के, एक उदाहरण लेकर के बोल दिया कि सर्वनाम शब्द जितने भी हैं वो सामान्य के अंतर्गत प्रयोग किए जा सकते हैं। तो हमको व्याकरण की दृष्टि से भी ये बड़े अच्छे समझ में आना चाहिए। दूसरा विशेष शब्द, विशेष का सीधा तात्पर्य है वो जो भीड़ है उसमें से उसको व्यक्ति को अलग कर लिया, ये होता है विशेष। जैसे गौ, इसमें उदाहरण दिया है गौ, अश्व, पुरुष, हस्ती, गाय है, नाम रख दिया उसका। बहुत सारे जानवर हैं, जानवरों का यदि नाम ना हो तो समस्या हो जाएगी। नाम अगर इससे बोला जाए कि वह उसको ले आओ, तो बहुत सारे वहां जानवर बने हुए हैं तो उसको किसको ले आओ, तो वो सामान्य हो गया। लेकिन जैसे ही कहा जाए कि गाय ले आओ, तो हो सकता है वहां 50 तरह के जानवर बंधे हों, लेकिन गाय एक विशेष हो गया, उन जानवरों से हट करके हो गया। तो उसमें जो गौत्व है, गाय में जो गौत्व है,
हम दर्शनों का भी अध्ययन करते चले आ रहे हैं, तो उसमें भी विशेष की वैशेष दर्शन में भी विशेष को समझाया है। तो विशेष वही है, वैशेष विशेष क्या है, उसमें जो गौत्व है वो सभी जानवरों से, सभी जीवों से उसको गाय को अलग करता है, तो हम गाय को लेकर चले आएंगे, ये विशेषता है। पुरुष है, पुरुषत्व है उसमें, तो वो उसकी विशेषता है। ये ही विशेषता जो है तो विशेष के नाम से जाना जाता है, और सामान्य जिसमें सभी प्रयोग हों वो सामान्य के नाम से जाने जाते हैं। आशा करूंगा ये आपको जो नाम है, सामान्य नाम और विशेष नाम दोनों समझ में आ गए होंगे। सर्वनाम को छोड़कर के बाकी दुनिया में जितने भी नाम हैं वो सर्वनाम वो विशेष के अंतर्गत मान सकते हैं आप, ठीक है। ऐसे ही क्रियाओं के बारे में भी, ये जो क्रिया है भवतीति भावस्य यानी भू सत्तायाम, भू धातु इसको दो भागों में बांटा गया है, ये भी सामान्य और विशेष। तो सामान्य और विशेष तो हम जान गए हैं। अब इसमें केवल भू का उदाहरण दिया है, इसमें आप और भी उदाहरण लगा सकते हैं, अस धातु का प्रयोग कर सकते हैं, अस्तिस्ता संति, भू अस और भी उदाहरण हो सकते हैं, दिमाग में कभी की बातें नहीं है, जो सभी में प्रयोग हो जाएं, सभी वाक्यों में या सभी धातुओं के साथ सभी के लिए। तो भू माने होना, होना किसी का भी हो सकता है, बच्चा पैदा होना भी हो सकता है, किसी का उत्पन्न होना भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है होना। भवती मानी होता है, भवती भवता बनती, इसके रूप चलते हैं, तो ये सामान्य के अंतर्गत आता है। और सभी जो भी हम बोलते हैं सामान्य रूप से बोलने की क्रिया में सभी जगह आपको होने की प्रक्रिया मिल जाएगी। ऐसे ही असमानी भी है, अस्थि सता संति है हूँ हों, इसके प्रयोग किए जाते हैं, खाता है, पीता है, रोता है, धोता है, शब्द जब भी आ जाएगा तो वो सामान्य हो सभी के साथ प्रयोग हो जाता है। तो सभी के साथ प्रयोग होने वाली धातु हैं, तो बहुत केवल ये दो ही धातु नहीं है, तो मैंने उदाहरण के तौर बता दिए हैं, बहुत सारी धातुएं हैं। वर्तते भी इसमें प्रयोग किया, वर्तते वर्तते वर्तन्ते इसका वो भी प्रयोग होता है, आत्मनेपदी में है ये, तो वो भी सभी के साथ प्रयोग की जाती है, तो वो भी सामान्य के अंतर्गत आ गई। ऐसी धातुएं जो सभी वाक्य में सभी के साथ प्रयोग हो सकती हैं, वाक्य चाहे कोई भी हो, वो सामान्य धातुओं के अंतर्गत आती हैं, ठीक है। तो उन्होंने केवल भू धातु को उदाहरण के तौर पर लिया है, आप और भी उदाहरण ले सकते हैं। आस्ते शेते व्रजति तिष्ठति, ये सामान्य नहीं है, ये विशेष हो गए। बैठना, उठना, सोना, खाना, पीना, वो अलग हट गए। मान लीजिए किसी भीड़ में कहा जाए कि जो व्यक्ति वहां सो रहे हो केवल उनको आपको उठाना है और बुला के लेके आना है मेरे पास, बाराती मान लीजिए, एक तरह से बाराती तो लगभग बहुत सारी जगह रहते हैं लेकिन कुछ सो जाते हैं, तो जो सोए हुए हैं उनको बुलाने की बात कर रहा है, तो जो जागे हुए हैं उनको नहीं बुलाएंगे अब, क्योंकि हमने विशेषता बता दी कि जो सोए हुए हैं। तो जिसकी विशेषता बतला दी जाए वो विशेष इंगित कर दिया गया, इसी को विशेष के नाम से जाना जाता है। तो क्रिया जो भी है, खाते हुए व्यक्ति को टोकना नहीं है, तो वहां बहुत सारे व्यक्ति होंगे लेकिन जो खा रहे हैं उनको नहीं टोकना है, बाकी सब किसी से कह सकते हैं आप इनसे हट जाइए या कर लीजिए, लेकिन विशेषता बतला दी वो खा रहा है। इस तरह से दो प्रकार के हमने जान लिए थे नाम, और दो प्रकार की होती हैं आख्यात अर्थात क्रियाएं। तो समझ में आ गया होगा, एक बार और दोहराए चलता हूं इन सभी को, जिससे कि आपकी बातें समझ में आती चली जाए। तद यत्र उभे भाव प्रधाने भवता, इसमें बताया गया है कि जब वाक्य में दोनों चीज दे रखी हो, आख्यात भी दे रखा हो और नाम भी दे रखी हो, तो वहां पर भाव की प्रधानता होती है अर्थात क्रिया की प्रधानता होती है अर्थात आख्यात की प्रधानता होती है। पूर्वा परिभूतम भाव आख्यातेन चष्टे व्रजति पचति, व्रजति पचति का यहाँ उदाहरण दे रखा है, सामान्य रूप से जितनी भी धातुएं हैं वो पूर्वा परिभूत को लेकर के साथ में चलती हैं अर्थात व्यापार समुदाय उनके साथ में जुड़ा होता है, हमको पता हो या ना पता हो। जैसे जाने की क्रिया है, जाने की क्रिया के पहले भी बहुत सारे कार्य किए जा चुके हैं, वो व्यापार समुदाय होता है, व्यापार समुदाय के साथ चलने वाली जो इंगित करने वाली धातु है मतलब क्रिया है वो व्रजति पचति की तरह ही वो सारे आख्यात कहे जाते हैं, ठीक है। आदि से लेकर पर्यंत तक इसमें ये प्रयोग किया गया है, शुरू से लेकर अंतिम तक जो व्यापार समुदाय होते हैं वो सभी को केवल ये धातुएं ही सीधे दर्शा देते हैं,
लेकिन मूर्त सत्व एक ही भूत, मूर्त का मतलब एक ही भूत, उसमें पूर्वापरि कुछ नहीं होता, उसमें पहले क्या किया आगे क्या किया ये कुछ नहीं, ऐसी धातुओं को दर्शाना हो, जब ये दर्शाया जाए किससे दर्शाए जाते हैं, वो कृदंत युक्त पक्त होते हैं, प्रज्ञापक्ति दे रखा है इसमें उदाहरण, कृदंत युक्त जितने भी धातुएं हैं उसमें जो प्रयोग किए जाते हैं शब्द, वो फिर क्या होते हैं, वो द्रव्य की सदृश ही प्रयोग करने लग जाते हैं, अर्थात वो सत्व के नाम से ही जाने लगते हैं, द्रव्य के नाम से जाने जाने लगते हैं, क्यों, क्योंकि उनमें भी जैसे द्रव्य में प्रयोग की जाती है संख्या प्रयोग की जाती है, वचन प्रयोग किए जाते हैं, विभक्तियां प्रयोग की जाती हैं, तो इन शब्दों से भी अर्थात कृदंत युक्त शब्दों से भी होती तो वो धातु हैं, धातु के साथ लगाई जाती हैं, प्रयोग किए जाते हैं, तो उनको ही लिया गया है और किसी को नहीं लिया गया, कृदंत युक्त शब्दों को लिया गया है, ठीक है। तो वो क्या होता है, वो सीधे एकीभूत होते हैं, पूर्वापरिभूत उसमें नहीं होता, और वो द्रव्य के सदृश कार्य करते हैं, नाम के सदृश, नाम से जाने जाते हैं। हमने यहां पर नाम को दो भागों में बांटा था, सामान्य और विशेष। सामान्य अधः यानी सर्वनाम जितने भी हैं वो सामान्य के नाम से जाने जाते हैं, जहां सभी जगह जो प्रयोग हो जाए, और विशेष किसी विशेष नाम से जाने जाते हैं उनको विशेष के नाम से जाना जाता है। ऐसी क्रिया भू आदि धातु जो हैं वो सामान्य की हैं, लेकिन आस्ते शेते वृजति तिष्ठति और लगा सकते हैं खादती रोदती जो भी हैं जिसको इंगित करती हों कि ये विशेष हो गई, भीड़ भाड़ हो और रो रहा हो कोई व्यक्ति तो कहें कि रोने वाले को टाके लाओ, तो रोना विशेषता हो गई, तो वो विशेष के नाम से जाना जाता है। आशा करूँगा ये आपको बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।